अगर तुम अपने मैथ की गरीबी मिटाना चाहते हो कि गणित विषय में तुम गरीब न रहो अमीर बन जाओ, तो गूगल में नहीं यूट्यूब में आपको सर्च करना है अवकलन कैसे करते हैं, बोल के सर्च करना है कि अवकलन कैसे करते हैं, इतना आप सर्च करना, इतनी बेहतरीन वीडियो आपके सामने आएगी मेरी वीडियोज़ कि आप उसको देखोगे ना उसी दिन से तुम कहोगे यार गणित में तो मैं अब कमज़ोर नहीं हूँ, मुझे तो अब कुछ आने लगा है। और अगर आपको वो टॉपिक अच्छे से आता है पहले से, तो आप उस वीडियो का लिंक अपने सिर्फ एक दोस्त को शेयर कर देना, ऐसे दोस्त को, ऐसे रिश्तेदार को, ऐसे पड़ोसी को जो गणित विषय में बिल्कुल गरीब होगा, कमज़ोर होगा। अगर ये पुण्य का काम आप करोगे ना, तो इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है, इससे आपको क्रेडिट मिलेगा ज़्यादा। अब उसी चैप्टर से, अवकलन से ही मैं दो सवाल आज की वीडियो में लाया हूँ, उसको मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करेंगे। बोर्ड परीक्षा में ऐसे सवाल 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर की तैयारी करना चाहते हो ना, बोलो यार करना चाहते हो ना, तो देखो इस वीडियो को, पूरा यकीन के साथ कह रहा हूँ कि समझ में आएगा। इसके सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकल गुणांक कहे चाहे कुछ भी कहे, जब सापेक्ष कह दिया तो समझना है कि इसका अवकलन अलग करेंगे, इसका अवकलन अलग करेंगे, फिर इसके अवकलन में इसके अवकलन से भाग देंगे, काम खत्म। समझे? मैं इतना ही 3 काम करूँगा, इसका अलग काम करो, अलग अवकलन करूँगा पहला काम, इसका अलग अवकलन करूँगा दूसरा काम, फिर तीसरा काम इसके अवकलन में इसके अवकलन से भाग दे दूँगा, बस आप भी इतना ही करना, आंसर आएगा। देखो इसको मान लो y1 बराबर है, ठीक है, तो y1 बराबर साइन इनवर्स x, तो x के सापेक्ष अवकलन करो, dy1 बाई dx बराबर 1 बटे करली के अंदर 1 माइनस x2। समीकरण नंबर 1, अब थोड़ा जगह छोड़ के बगल में इसका करिए, y2 मान लो इसको, ठीक है, अवकलन कीजिए dy2 बाई dx बराबर इसका -1/√ के अंदर 1 माइनस, इसका स्क्वायर जब करेंगे ना तो कर्ली हट जाएगी, तो बचेगा 1 माइनस x2 इंटू कॉस इनवर्स का तो हो गया, अब केवल कर्ली वाले का दोबारा अवकलन करेंगे। जो बच्चा इस गलती को दोहरा देगा उसका गलत हो जाएगा। यहाँ पर दो बार अवकलन करना है, एक बार कॉस इनवर्स के हिसाब से और एक बार इस कर्ली के हिसाब से। तो कर्ली का हो गया 1/√ में 1 माइनस x2। फिर एक बार और अवकलन होगा रे भाई, एक बार इसका, एक बार कर्ली का, एक बार अंदर वाले का, ठीक है, तो 1 माइनस x2 का करेंगे तो -2x होगा, माइनस में 2x। अब क्या होगा ध्यान से देखो, ये माइनस का गुणा होगा प्लस, 2 से 2 कट गया, x केवल बचा है। जब ये ब्रैकेट खोलेगा ये वाला, तो 1 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर इस रूट से बाहर आ जाएगा, कर्ली में क्या बचेगा इतना, ये 2 कट गया इससे, ये वाला x यहाँ पे है, ये एक्स स्क्वायर बाहर निकल के x बन गया, ये दोनों फिर कट जाएगा, 1/√ के अंदर 1 माइनस x2। समीकरण नंबर 2, मैंने अपने 2 काम पूरे कर लिए, पहला काम इधर वाले का अवकलन, दूसरा काम इधर वाले का अवकलन, तीसरा काम क्या है, पहले वाले में दूसरे वाले से भाग देना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1/2 से, तो ये ऊपर रहेगा अंश में और ये नीचे रहेगा हर में, तो ये ऊपर रहेगा अंश में और ये नीचे रहेगा हर में, ये ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है, पूरा पूरा कट जाएगा, dx कट जाएगा, क्या बचेगा dy1/dy2 बराबर पूरा पूरा कट गया 1, तो ये है इसका आंसर, ये है इसका आंसर, ठीक है। क्या यार, कौन बच्चा ऐसा है जो इसको समझा नहीं, सब लोग समझो ना। ऐसे ही एक सवाल और समझाऊंगा, उसके पहले बताऊंगा कि अगर आपको गणित में पास होना है, आप अब तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, चाहते हो पास होना, या आप थोड़ा बहुत तैयार किए हो, चाहते हो ज़्यादा अच्छा नंबर लाना,
तो दोनों प्रकार के छात्रों के लिए मेरे पास कोर्स है। कोर्स लेने के लिए इस नंबर पर कॉल कीजिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। 75-25-81-80-38 इस पर फ़ोन कीजिए, पढ़ाई कीजिए। चलो अगला सवाल देखिए। अब ये दोनों सवाल आज की वीडियो के एक ही जैसे हैं। सिखाने के नाते मैंने दो सवाल लिया है, ठीक है। इसका लॉग एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। देखो कैसे ज्ञात करते हैं, बता रहा हूँ। हम इसको मान लेंगे y1 बराबर एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। अब ये दो फलन का अवकलन है, दो फलन के गुणनफल का अवकलन है, तो अवकलन कीजिए। dy1/dx प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे पहले तो हो जाएगा 2 tan x, फिर tan का करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन यानी tan स्क्वायर एक्स इंटू प्रथम का अवकलन x स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से 2x और यहाँ से 2x कॉमन ले लेते हैं। dy1/dx बराबर 2x कॉमन लिया तो x tan x sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। ऐसे छोड़ दे इसको, समीकरण नंबर एक बना के। अब log x का इधर बगल में अवकलन कर लेते हैं, y2 बराबर log x, तो dy2/dx बराबर log x का होता है 1/x, क्या होता है 1/x होता है ना, दो नंबर हो गया। अब पहले वाले में दूसरे वाले भाग देना है, समीकरण 1/2 से, तो dy1/dx बराबर dy2/dx। तो इसका वैल्यू ये ऊपर रख देंगे हम, 2x tan x sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। अब बटा के नीचे उसको रखेंगे 1/x, तो पलट के ऊपर आ जाएगा 2x² हो जाएगा, dx कट जाएगा, तो फाइनली बचेगा dy1/dy2 बराबर क्या बचेगा बेटा, हो जाएगा 2x² tan x कामन ले लो, tan x आप यहाँ से कामन लेंगे, बचेगा x sec स्क्वायर x प्लस tan x, बस हो गया आंसर, कुछ नहीं है। चार चार नंबर की तैयारी है और काम कुछ भी नहीं है। तो कितने लोगों को अच्छा लगा, समझ में आया, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। कितने लोगों को समझ में नहीं आया, वे लोग भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आगे बात समझ में, अगली वीडियो का इंतज़ार रहेगा ना, बिल्कुल रहेगा। थैंक यू।